किसी भी चीज का आविष्कार उसके सफल कहानी के पीछे छिपा होता है। ऐसी ये कहानी है दो पहियों की। जी हाँ, बच्चों से लेकर बड़ों तक आकर्षित करने वाली, बहुत ही सस्ती, वातावरण दूषित ना करने वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारक ऐसा साधन आपने तो पहचान लिया ही होगा। जी हाँ, वो है साइकिल। जानते हैं इस साइकिल का आविष्कार किस तरह से हुआ। जाता है कि 1817 में जर्मनी के बैरन फॉन ड्रेविस ने साइकिल की रूपरेखा तैयार की थी। तब लकड़ी की साइकिल बनी थी और उसका नाम ड्रेसियन रखा गया था। उस समय इस साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसका इस्तेमाल सिर्फ 1830 से 1842 के बीच ही हुआ करता था। समय के साथ साथ साइकिल पर काफी बदलाव किए गए, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण बदलाव लाया किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने। इनका जन्म 2 सितंबर 1812 में स्कॉटलैंड में हुआ था। वह एक लोहार के बेटे थे। कई साल गुजरने के बाद मैकमिलन अपने पिताजी के साथ लोहार के काम में जुट गए। नई नई वस्तु बनाने में उन्हें रुचि आने लगी। उन्होंने देखा कि इस दो पहिए पर सवार को पांव जमीन पर रखकर आगे ढकलना पड़ता था। उस वजह से इसे बलवान और मजबूत पांव वाला व्यक्ति ही चला पाता था। फिर उसमें कुछ बदल किए गए। बाद साइकिल का आगे का पहिया बड़ा किया ताकि छोटे चक्कर से अधिक दूरी पाए और सवार की सीट पहले पहिए पर बनाई, लेकिन इससे आगे भार आने के वजह से अपघात हो जाता था, इसीलिए ये साइकिल ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। में मैकमिलन ने इसमें सुधार लाने की कोशिश की और उसने बिना पैरों को घिसे चलाने वाले यंत्र की खोज की, जिसे उन्होंने विलोसिपीड का नाम दिया था, जिसे साइकिल के अगले पहिए पर दो पैडल लगा दिया। इससे साइकिल चलाना आसान हुआ था, पर उतार के रास्ते पर साइकिल पर काबू पाना आसान नहीं था। किंतु 1845 में एक फ्रांसीसी निकोलस ने ब्रेक का प्रयोग किया और साइकिल चलाना और भी आसान हुआ। अर्नेस्ट मिचॉक्स ने इस साइकिल पर काफी प्रयोग करके उस साइकिल को धातु के पहिए लगाए, उसे रबर की पट्टी लगाई ताकि उसे चलते वक्त आवाज ना हो।
1880 में इंग्लैंड के निवासी हैंस रोनाल्ड ने चैन का आविष्कार किया। तब साइकिल के पहिए एक जैसे बनाने लगे। 1880 से 1890 बीसवीं सदी को गोल्डन एज ऑफ बाइसिकल कहा जाता है, क्योंकि उन सालों में साइकिल को अच्छा खासा आकार मिला, उसे स्टेयरिंग मिली और पहियों में चैन इसी दौरान लगाई गई थी। और तब से लेके आज तक साइकिल चलाना आसान और सुरक्षित हो गया। साइकिल की पहली रेस 31 मई 1868 को हुई थी। इसका आयोजन पेरिस के पार्क द सेंट क्लाउड में किया गया। यह रेस 1200 मीटर की थी। इसके विजेता रहे थे इंग्लैंड के जेम्स पुरे। और उसके बाद इसकी बढ़ती मांग को देखकर इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के यंत्र निर्माताओं ने इसमें अनेक महत्वपूर्ण बदलाव किए और सन 1872 में पेश किए और यह साइकिल काफी जगह प्रचलन में आ गई। सन 1916 से 1990 तक भारत में ज्यादातर लोगों के पास साइकिल थी। कहा जाता है कि चीन के बाद सबसे ज्यादा साइकिल भारत में बनती है। यह व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन है। दूध की सप्लाई से लेके डाक विभाग का पूरा तंत्र ही साइकिल के बूते पे चलता है और आज भी कई जगहों पोस्टमैन साइकिल से ही चिट्ठियां बांटते हैं। आज भी साइकिल की अहमियत कम नहीं हुई, इसीलिए लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए यह साइकिल चलाना बेस्ट एक्सरसाइज मानते हैं, क्योंकि साइकिल पूरे शरीर के मांसपेशियों को पूरी तरीके से सक्रिय रखती है और केवल शरीर ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखने में मदद करती है। देख के 19 अप्रैल 1943 से आज तक पूरे विश्व में साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसे बनाने में काफी लोगों का सहभाग था, परंतु क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ने तो ये साइकिल का इतिहास पूरा बदल दिया। तो ये थी साइकिल की कहानी।